जी हाँ, हम अपने आसपास बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना काम तेजी से तो कुछ नहीं कर पाते, तो हम उन्हें टोटोइज बुलाने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टोटोइज स्लो होता है। पर क्या आप जानते हैं कि स्नेल सबसे स्लोएस्ट एनिमल होता है? जी हाँ, यह सबसे स्लो होता है, लेकिन यह बहुत से लाइफ का पार्ट सिखाता है। स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। कुछ कारणवश, जैसे अपने आसपास के लोगों के वजह से हो या कोई और रीजन हो, हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक लोग के पास एक अलग पहचान होती है। एक स्नेल अपने आप कंपेयर करके रोता नहीं है कि वो स्लो है। तो हम जब अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना बंद कर देंगे, तब हम सफलता पा सकेंगे। जब हम डूब जाते तब प्रॉब्लम होती है। एक स्नेल लगातार चलते रहना सीखता है। पानी का एक एक बूंद मिलकर पत्थर काट देता है। सो स्लो प्रोग्रेस इज द रियल प्रोग्रेस। 3. फोकस ऑन योर गोल। जी हाँ, फोकस बहुत जरूरी होता है। जब तक स्नेल एक पते पे ध्यान बनाए रखता है, जब तक उसे नींद नहीं जाता है, क्योंकि उसे भूख होता है। भूख होना चाहिए फोकस के लिए। सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।